तो ये है भाई टाटा के इंट्रा V70। और V70 में आप लोगों को 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंटरकूल कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 80 HP की पावर 220 Nm का टॉर्क निकाल के आप लोगों को प्रोवाइड कर देती है। 240 mm की इसमें क्लच मिलती है, जो कि GB65 का गेयरबॉक्स 5 स्पीड का मैनुअल सिंक्रोमस इसमें देखने को मिल जाता है। फ्रंट प्रोफाइल लुक कुछ ऐसे देखने को मिलने वाली, काफी अमेजिंग कलर्स में आती है। अगर लोड बॉडी की बात करें तो आप लोगों को 9.8 फुट की लंबाई और 5.8 फुट की चौड़ाई वाली लोड बॉडी देखने को मिल जाती है। 215/75 R15 वाले टायर्स मिल जाते हैं। 10.5 लीटर का डेफ टैंक और 35 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को इसमें मिल जाता है। रेयर की प्रोफाइल ऐसी रहती है जिसमें 3 पार्किंग सेंसर्स और हेलोजन में टेलम्स का कॉन्फिगरेशन मिल जाता है। नीचे का प्रोपेलर शाफ्ट का लुक कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है और रियर एक्सल आपको कुछ ऐसी मिलती है। पीछे 10 पत्ती वाला आप लोगों को सेमी इलेक्ट्रिकली स्प्रिंग सस्पेंशन और फ्रंट में 2 पत्ती वाला पैराबोलिकली स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है। नया वाला स्टीयरिंग व्हील और नया वाला मीटर देखने को मिलता है। ड्राइवर प्लस 1 के कॉन्फिगरेशन में ये आप लोगों को प्रोवाइड हो जाती है ही। इसका डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा और बाकी V50 और V70 में भी कंपैरिजन वीडियो जल्दी आ रहा है, तो स्टे ट्यून्ड।